हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अपना जो फिश टैंक है, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा यार, वो लीक हो चुका है। उसमें से जो पानी है, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मुझे ना इसे रिपेयर करवाने लेके जाना था, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करो, आप लोगों को भी बताओ इस ब्लॉग में। तो इसके साथ साथ इसे रिपेयर भी करवाएंगे, और जो अजय भैया का शॉप हमने विज़िट किया था इस ब्लॉग में, तो उनका जो शॉप है, उनके शॉप का अगर कोई नई फिश आई होंगी तो वो भी आपसे कवर करवाएंगे इसी वीडियो में, और बताएंगे कि भैया के पास अभी कौन कौन सी फिश अवेलेबल है और कौन कौन सी प्राइस में अवेलेबल है। तो इसी व्लॉग में शेयर करेंगे आपसे। तो ये देख सकते हो, ये फिश जो फिश एक्वेरियम, जो अपना छोटा सा बहुत प्यारा सा एक्वेरियम है, तो यार ये ना लीक हो चुका है कैसे तो भी। तो पानी जो है ना बार बार कम होता जा रहा है। ये शायद ना ये यहाँ से लीक हो चुका है। मैंने इसे अपने हाथ से रिपेयर करने की कोशिश की थी, बट ये रिपेयर नहीं हुआ। तो अब इसे ना अपन अजय भैया के पास ही लेकर जाएंगे। अजय भैया ही इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। मुझसे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो अजय भैया ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं भैया का एक्वेरियम शॉप भी इस पर कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। फ्रेंड, ये रहा अपना फिश टैंक। तो पहले ना इसे अपनों को इसको पूरा एम्प्टी करना पड़ेगा, पूरा खाली करना पड़ेगा, और फिश वगैरह को है ना एक अलग टब में वगैरह में छोड़ना पड़ेगा, और फिर इस फिश टैंक को भैया के पास लेकर जाना पड़ेगा, अजय भैया के पास। तो चलो इसको जल्दी से पूरा क्लीन करते हैं, और फिर क्लीन करके मिलते हैं। तो यार गाइस, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली है। अभी मैंने फिश आपको बताया कि फिश टैंक अपनों को क्लीन करना है, तो मैंने जैसे ही फिश टैंक क्लीन किया तो बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ मिली है। आप भी देखकर बहुत हैप्पी होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार जैसे मैंने टैंक क्लीन किया तो यार टैंक के अंदर ना कुछ बच्चे निकले हैं फिश के, तो वही फिश के बच्चे आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, यार मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। लगभग 11 बच्चे हैं। अगर मैं कुछ टाइम पहले देख लेता या कुछ डेज पहले अपना फिश टैंक क्लीन कर लेता या फिर उसमें फोकस कर लेता, तो यार मेरे हाथ में ना बहुत सारे बच्चे लग सकते थे। मगर अभी फ़िलहाल में ना मेरे हाथ में ना 11 बच्चे लगे हैं। लगभग एक मोली फिश 30 से 40 बच्चे देती है, मगर अभी 11 बच्चे ही फिश ने दी है। तो देख सकते हो अब, चलो अपन फिश टैंक भी अपना क्लीन हो चुका है, अब उसको रिपेयर करने अजय भैया के पास में लेकर जाती है, और अजय भैया के सेटअप पर कौन कौन सी फिश अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताते हैं, उसका प्राइस भी आपसे मेंशन करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए अजय भैया की शॉप पर। ये अजय भैया की शॉप है, द पेट्स एम्पोरियम। तो चलो जाते हैं अंदर और देखते हैं, भैया से बात करते हैं। फिश टैंक तो भैया को दे दिया मैंने पहले आकर, और अब अंदर जाते हैं और देखते हैं अपना फिश टैंक रिपेयर होता है या नहीं। तो यार अजय भैया बोल रहे हैं कि फिश टैंक रिपेयर नहीं होगा, डायरेक्ट जो कांच है वो चेंज करना पड़ेगा। तो फिर अभी कैसा करने का, वो फिश पे कैसा रखूंगा? बाल्टी में रख लो, एयरपंप लगा के रहेंगे, एक दिन की बात है, शाम तक तो ये मिल जाएगा। आज के साथ आज भी मिलना नहीं है, तो शाम तक क्या आप तो आज काज नहीं मिलेगा, तो फिर शाम तक के कैसे के मिलेगा? कल शाम तक के ना।
उसका स्पीड बढ़ा दिया तो गाइस मैं भी अंदर गया था भैया से बात किया तो भी भैया थोड़ा अर्जेंट में जाने के लिए और जो अपना फिश टैंक है यार उसका ना कांच चेंज करने का कहा है भैया ने। तो भैया कल शाम में लगभग 5 के करीब अपनों को फिश टैंक दे देंगे। तो कल जब अपन फिश टैंक लेने के लिए आएंगे तब अपन भैया का फिश एक्वेरियम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।